बता रही हूँ, मैं यहाँ पे बता रही हूँ पेन स्टैंड जो कैट के शेप का होगा। आप लोग इसे बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। इसके लिए हमें मटेरियल चाहिए मोल्डेड टेलकम पाउडर, फेविकॉल, और मैंने यहाँ पे दो कलर लिया है ब्लैक एंड कॉपर। आप लोग किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हो। नाइफ कट करने के लिए कोई भी पुराना पेन और रिफिल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मोल्डेड मिक्स करते हैं। मोल्डेड में आप लोग को मैंने पहले भी बताया है दो तरह का इसके अंदर रहता है, एक रेजिन एक हार्डनर। दोनों को बिल्कुल बराबर मात्रा में लेके हमें मिक्स करना है। जब तक दोनों का मात्रा बराबर नहीं होगा तब तक ये कोई शेप तो ले लेगा पर ये हार्ड नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग मोल्डेड मिक्स करते हैं। मोल्डेड तब तक मिक्स करना है जब तक ये पूरी तरह वाइट ना हो जाए। मैंने यहाँ पे मोल्डेड मिक्स करके रखा हुआ है ये कुछ इस तरह से। इसमें से पहले छोटा सा हमें बॉल निकालना है, बिल्कुल छोटा सा। फिर इसी शेप का फिर छोटा सा बॉल हम निकालेंगे। अब ये जो पूरा मॉडलेट है इसको हम लंबा शेप में बेल लेंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे मॉडलेट का कोई भी काम बिना टेलकम पाउडर के नहीं करेंगे, नहीं तो वो जहां भी रहेगा वहां चिपक जाएगा। जैसे हम लोग रोटी बेलते हैं ना घर में, मम्मी लोग रोटी बेलती है, बिल्कुल उसी तरह से इसको बेलना है। गोल नहीं बेलना है, लंबा में बेलना है। अब हम इसे हाथ से थोड़ा थोड़ा फैला लेंगे। ज़्यादा थिक नहीं रखना है हम लोग को, लेकिन थिकनेस ये होना चाहिए। आप लोग ध्यान से देखिए। अब इस किनारे को हम लोग को चिकना करना है, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से हम लोग नाइफ से, या अगर आप लोग के पास आयरन स्केल है तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। अब इस साइड और इस साइड जो राउंड से दिया है उसको हम लोग कट करके हटा लेते हैं क्योंकि हमें राउंड नहीं रखना है। अब ये मैं यहाँ पे फेविकॉल का कैप ली हूँ, कैप से हाफ कैप से यहाँ पे हमें कट करना है आगे में। ये मैंने हाफ कट किया है, दोनों तरफ जो बचा है यहाँ और यहाँ पे इस पर हमें टेक्सचर देना है पैर का। इस पर हमें तीन बार हल्का हल्का कट करके टेक्सचर देना है, पैर का शेप देना है। ये हमारे कैट का पैर हो गया। अब हमें पिन रखने के लिए बीच में होल करना है। आप चाहो तो एक होल करो एक पिन रखना हो, दो होल करो दो पिन रखना हो, तो ये आपके ऊपर है। मैंने उसी पिन के कैप से इसमें होल करके फिर धीरे धीरे घुमा करके इसे इस होल को थोड़ा सा बड़ा किया है।
ये पाउडर का मैंने डब्बा लिया है, उसी से इसे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। इसे हमें खरा सेप देना है, इसके लिए हमें अंदर में कुछ लगा कर दें। मैं यहाँ दो कैप का दे देती हूँ क्योंकि यह जगह है, मैं यहाँ पे दो कैप से शुरू कर देती हूँ। दो पेन कप मैं बना रही हूँ, आप लोग भी दो कप बना सकते हो। फेविकॉल का ज़्यादा यूज नहीं करना है, वो चिपचिपा हो जाता है। फिर इस तरह पैर के हिस्से को यहाँ लिया करके अब इस हिस्से को हमें उठाना है। जब तक ये हिस्सा सूख रहा है तब तक हम लोग कैप बनाए सॉरी कैट का फेस और पीछे की तरफ उसका टेल बना लेते हैं। ये बड़ा गोला जो है और ये एक छोटा गोला, सबसे पहले छोटे गोले को लंबा कर लेते हैं। ये हमारा टेल बन रहा है। एक तरफ हल्का नुकीला है और एक तरफ राउंड शेप लिए हुए, इसे चिकना कर लेना है। इस तरह से अब ये हमारा फेस है, फेस को इस तरह से राउंड लेके फिंगर से इसे हमें हल्का हल्का पुश करते हुए बराबर बराबर गोल करना है। अब ये गोल हो गया, अब इस पे हम क्या करेंगे, इसका ईयर बनाएंगे। हल्का इस तरह इधर दबाएंगे, दो बगल से इस तरह दबाते हुए ईयर बनाएंगे। इस तरह से दिख रहा है आपको, फिर ऊपर से चिकना कर लेते हैं। अब ईयर पे हमें कट देना है, उसके लिए लास्ट में थोड़ा सा पाउडर लगा करके तिकोना ऐसा ईयर पे हम लोग सेप दे लेंगे। रिफिल से ईयर में हल्का हल्का छेद ऐसे करेंगे, ऐसे हो इस तरह से। अब मैंने ये पेन के कैप को हटा करके अंदर इस चीज को इसका हमें यूज करना है। आप इसका यूज कीजिए, ये इसका यूज कीजिए, हमें आँख बनाने में इसका यूज करना है। इसके थोड़ा सा टैलकम पाउडर लगा करके यहाँ एक होल और यहाँ एक होल, ये हमारा आँख
अब इसके अंदर हमें हमारे आई बॉल के अंदर भी है ना, आंख के अंदर में आई बॉल बना हुआ है, वो हमें आइस के अंदर में आई बॉल बनाना है रिफिल से। मैंने इस तरह से बनाया है। अब हमें इसके ऊपर में कैट का जो मूंछ होता है वो बनाना है, उसका टेक्सचर देते हैं। पहले एक छोटा सा होल और बीच में नोज के लिए देते हैं रिफिल से। दोनों बगल से हल्का हल्का। अब हमें इसका लिप्स बनाना है। इसके लिए हाफ कट पिन के कैप का हाफ देना है हमें। ये हमारी बिल्ली का फेस रेडी हो गया है। ये थोड़ा सूखने में समय लेता है, इसके लिए यहाँ पे दोनों पाउडर का मैंने डब्बा इसके अंदर घुसा दिया है। थोड़ा सा समय ही लगेगा सूखने में। इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें फेस लगाना है, पीछे में हमें टेल लगाना है। फेस के पीछे में हम लोग हल्का हल्का फेविकॉल लगा लेते हैं। ध्यान रखिएगा फेविकॉल का यूज ज्यादा नहीं करना है। अभी ये हमारी बिल्ली अभी रेडी हो गई। अब ये जो टेल है इसके लिए हमें पिन के कैप का फिर से यूज करना होगा। ये जो मैंने नुकीला भाग लिया है उसे इस तरह से इसे चिपकाना नहीं है, बस ऐसे ही रखना है। और नीचे की तरफ में थोड़ा सा ग्लू लगा करके अब हम इसे ऐसे चिपका देना है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ते हैं, फिर इसे कलर करेंगे। मैंने जो अभी क्राफ्ट बनाया है कैट का पेन स्टैंड, उसे मैंने धूप में सूखने के लिए डाला था। जब वो हार्ड हो जाए फिर हम उस पर ब्लैक कलर पूरा करेंगे इस तरह से। अंदर बाहर चारों तरफ से हम लोग इसे ब्लैक कलर से कलर कर लेंगे। और जब ये ब्लैक कलर सूख जाए फिर उसके ऊपर हम ये कॉपर कलर डाल रहे हैं। आप चाहो तो कोई भी कलर डाल सकते हो। ये जो अभी हम इसके ऊपर कलर कर रहे हैं उसको टेक्सचर पेंटिंग बोलते हैं। अभी हम लोग इसको पूरी तरह से फील नहीं करेंगे। ब्लैक कलर से हमने पूरी तरह से फील किया है, अब हम इसके ऊपर टेक्सचर पेंटिंग करेंगे। उसके लिए ड्राई ब्रश लेंगे, ब्रश में हल्का सा पेंट लगा करके फिर वापस इसको इस तरह से बॉटल में पोंछ लेना है। अब इसके ऊपर हल्का हल्का टेक्सचर देते हुए इसको कलर करेंगे। ध्यान रखिएगा ये ब्रश में पानी नहीं लगा होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई ब्रश होना चाहिए। इसको अंदर की तरफ पेंट नहीं करना है, बस ऊपर की तरफ करना है।
ये हमारा पेंट करके बिल्कुल रेडी हो गया है। हमारी ये बिल्ली पेंट को कैरी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हमारा पेन स्टैंड। थैंक यू।